तो गुड मॉर्निंग पटना, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रेवल विद दिलीप में। कुछ लोग हमसे बार बार ये कमेंट करके पूछ रहे थे कि अगर भैया हम बेली रोड पर रहेंगे तो मरीन ड्राइव कैसे पहुंचेंगे। तो आज मैं अभी मैं रुकनपुरा के पास में हूं और यहां से मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप बेली रोड में हैं तो आप पटना के मरीन ड्राइव कैसे पहुँच सकते हैं। ये पूरा वीडियो आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप बेली रोड पर हैं तो आप कैसे पहुँचेंगे। और सामने आप देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, तो रोड पर कोई भी गलती करने का प्रयास नहीं करिएगा आप सब। अभी हम लोग गोला रोड फ्लाईओवर पर हैं और यहां से आप मरीन ड्राइव कैसे पहुंचेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूं। सामने आप पाटिल पथ देख सकते हैं, जी हां, पाटिल पथ से भी आप मरीन ड्राइव जा सकते हैं, लेकिन जो नवदपुर से आ रहे हैं वो इस पाटिल पथ का इस्तेमाल करके मरीन ड्राइव जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बेली रोड पे हैं तो यहां से आप कैसे पहुंचेंगे पटना के मरीन ड्राइव पर, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं। आप इस वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आप बेली रोड से मरीन ड्राइव कैसे पहुंच सकते हैं। ये पटना के लिए नहीं है, पटना से लोग बाहर रहते हैं और वो मरीन ड्राइव जाना चाहते हैं वो लोग इस वीडियो को देखिएगा। और पटना के जो लोग हैं उन्हें तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो ये पूरा वीडियो आप देखिएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा। ये गोला रोड फ्लाईओवर यहाँ पे ख़त्म होता है और ये सीधे रास्ता आपको दानापुर जाएगा, सगुना मोड़ जाएगा। लेकिन अगर आपको मरीन ड्राइव जाना है तो आपको इसके नीचे से यहाँ से टर्न लेना पड़ेगा। और ये जो रास्ता है सामने आपको, अभी आगे चलेंगे तो आप कैसे मरीन ड्राइव जाएंगे वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। और सामने हमारे सूरज भगवान ने हमें दर्शन दे दिया है, तो इसके लिए काफ़ी तहे दिल से धन्यवाद। और यही जो रास्ता है ये हमें सीधे ले जाएगा मरीन ड्राइव। लेकिन देखिए इसमें ट्रक को अलाउ नहीं किया गया है, और ये ट्रक भी चल रहा है, तो इन सब चीज़ों से आप सावधान होकर के गाड़ी को चलाइएगा। और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये आपको दानापुर स्टेशन चला जाएगा और इस रास्ते को पकड़ के आप जाएंगे मरीन ड्राइव। मैं अभी आपको पूरा राइडिंग करके आपको वहाँ तक पहुँचाने वाला भी हूँ। तो यही रास्ता हमें मरीन ड्राइव को ले जाएगा। भैया ऊपर खावा रास्ता पूरा बॉडी झंझना गया गाड़ी चलाते चलाते, और ये रास्ता थोड़ा ख़राब था। और मरीन ड्राइव जाने के लिए ये रास्ता मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, जी हाँ। ये रास्ते में कहीं पर भी आपको जो है जर्किंग नहीं दिखेगा और ये रास्ता सीधे हमें मरीन ड्राइव ले करके जाएगा। और उधर सामने आपको दिख रहा होगा पाटलिपुत्रा स्टेशन, जी हाँ, वो पाटलिपुत्रा स्टेशन है। अगर आप उस रास्ते से जाएंगे मरीन ड्राइव तो आप नहीं जा पाइए क्योंकि आगे रास्ता बंद है। लेकिन ये आप रास्ता देख सकते हैं, ये काफ़ी स्मूथ रास्ता है और सीधे आपको ये मरीन ड्राइव लेकर के जाएगा। और ये रास्ता काफ़ी बेहतर है, जी हाँ, मरीन ड्राइव जाना है अगर आपको तो आपके लिए ये रास्ता काफ़ी बेस्ट है। और ये जो रास्ता है वो जो आपका बेली रोड जो फ्लाईओवर है उसके नीचे से जाता है, तो आप इस रास्ते का इस्तेमाल करके मरीन ड्राइव जा सकते हैं। और कैसे कैसे आना है बेली रोड से ये मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, तो इसके लिए आप एक लाइक ज़रूर करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो पता है ना क्या करना है, जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए अब पहुँचने वाले हैं मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव से पहले आपको जो है गंगा का एक बेहतरीन सीन मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो में आप पूरा बने रहिएगा तभी आपको सब समझ में आएगा। चलिए आप सीधे पुल चढ़ते हैं। पुल चढ़ने से पहले आप यहाँ पर डिस्टेंस बोर्ड देख सकते हैं, दानापुर पड़ेगा 5 किलोमीटर, जेपी सेतु 3 किलोमीटर, गांधी मैदान 9 किलोमीटर, सोनपुर 14, हाजीपुर 19 और छपरा 63 किलोमीटर। और बस अब पुल वहाँ से सामने से आपको दिख रहा होगा, शायद आपको कैमरे में नज़र नहीं आ रहा हो लेकिन मुझे दिख रहा है कि सामने से मैं अब पुल को चढ़ने वाला हूँ। तो सीधे अब पुल पर ही आपसे मुलाकात करते हैं और पुल से आपको दिखाते हैं एक सुंदर व्यूज, और फिर आपको मरीन ड्राइव को हम ले करके चल ही रहे हैं कि आप बेली रोड से मरीन ड्राइव आप कैसे पहुंचेंगे। उनके लिए ये वीडियो है, जो लोग नए लोग हैं जो मरीन ड्राइव घूमना चाहते हैं उनके लिए ये स्पेशल वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिन से कमेंट भी आप लोग कर रहे थे कि भैया एक बार बेली रोड से लेकर के जो मरीन ड्राइव जाने का जो रास्ता है वो कैसे पहुँचेंगे उसका वीडियो बना के हमें दीजिए। तो चलिए आज आपके लिए वीडियो हाजिर है। तो हम लोग पुल के ऊपर चढ़ चुके हैं और ये पुल आपको सीधे ले जाएगा मरीन ड्राइव। और सामने आप देख सकते हैं पाटिल पथ जो कि हमने आपको दिखाया बेली रोड पे, तो आप इससे भी आप मरीन ड्राइव जा सकते हैं। लेकिन मैं इस पुल का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको बेली रोड से लेकर के आया हूं, तो इसलिए अगर आप बेली रोड के तरफ से अगर आप आते हैं पुल के नीचे से तो आप इस पुल का इस्तेमाल करके आप पहुँचेंगे मरीन ड्राइव।
और एक खूबसूरत नज़ारा मैं आपको दिखाने वाला हूँ माँ गंगा का पुल के ऊपर से। तो हमारे वीडियो में आप बने रहिएगा। तो ऊपर से आप देख सकते हैं माँ गंगा का नज़ारा किस तरह का आपको यहाँ से दिख रहा होगा, काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी ज़बरदस्त। और सामने आपको वो जेपी सेतु दिख रहा होगा, उसी के नीचे से आप मरीन ड्राइव जाएंगे तो वहाँ भी मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। और ये देखिए आपका ये माँ गंगा का नज़ारा मैं आपको यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ। माँ गंगा का सीन दिखाने के साथ साथ अब हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ का, हमने सीन आपको दिखाया है। और ये रास्ता हमें सीधे ले जाएगा मरीन ड्राइव। ऊपर से आप जो हैं जेपी सेतु होते हुए आप छपड़ा निकल जाइएगा, जो कि आप ये रिंग बना हुआ देख सकते हैं, ये इसका मैंने कई बार राइडिंग करके आपको दिखाया भी है। और यहाँ से भी आप जा सकते हैं, लेकिन हम लोग सीधे चलेंगे क्योंकि हमें आपको मरीन ड्राइव लेकर के जाना है। तो बेली रोड से आप कैसे कैसे आएंगे वो मैंने आपको सारा वीडियो प्रोवाइड करवा दिया। और ये ऊपर का ये जेपी सेतु जाने वाला, और सामने आपको जेपी सेतु दिख भी रहा होगा। और ये रास्ता हमें सीधे ले जाएगा मरीन ड्राइव। ये जो देख रहे हैं ये आने वाला रास्ता है, लेकिन हमें अगर जाना है तो आगे से घूम के जाना पड़ेगा। जी हाँ, जहाँ से वो सब गाड़ियाँ जा रही हैं। तो मरीन ड्राइव कैसे पहुँचेंगे मैंने आपको सारा वीडियो बेली रोड से लेकर के यहाँ तक का प्रोवाइड करवा दिया है। और यहाँ का एक व्यूज देखिए, ऊपर से गाड़ियाँ, नीचे में ट्रेन चलने वाली है, चलती भी है, और उसके नीचे से ये मरीन ड्राइव। और ये जो आप बड़ा बड़ा जो ये आप ये रोड देखते हैं, ये जानते हैं किसे लगाया जाता है? जी हाँ, ट्रकों को प्रवेश यहाँ ना मिले, क्योंकि ट्रक के आने से रास्ता पूरा खराब हो जाता है। और ये हम लोग अब आपको लेकर के आ चुके हैं मरीन ड्राइव। और मरीन ड्राइव में भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो यहाँ पर कोई भी गाड़ी जो है स्पीड में मत चलाएगा। जो लोग खास करके लहरिया कर जो बाइक चलाते हैं उनके लिए सख्त निर्देश है। और यहाँ पर रोड के दोनों साइड में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सामने आपको डिस्प्ले बोर्ड भी दिख रहा होगा, इसका हमने बहुत बार राइडिंग किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गुलंबर, तो यहाँ पे रात के समय में आएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा जाम का सामना करना पड़ेगा, उसका भी मैं वीडियो आपको बना करके दिखाऊंगा। लेकिन अभी आप देख सकते हैं अभी मैं सुबह में आया हूँ मरीन ड्राइव, कैसे कैसे आप पहुँचेंगे बेली रोड से मरीन ड्राइव उसका वीडियो मैं आपको दिखाया। और यहाँ पर गाड़ी लगाते हैं और आपको और कुछ दिखाते हैं यहाँ का क्या सीन है। तो मरीन ड्राइव आप कैसे पहुँचेंगे बेली रोड से हमने आपको सारा कुछ दिखा दिया। ये जो सामने रास्ता है ये आपको अटल पथ जा रहा है, अटल पथ फेज टू होते हुए अटल पथ फेज वन निकल सकते हैं। और ये रास्ता आपको जो है बेली रोड से हम कैसे कैसे मरीन ड्राइव तक पहुंचेंगे वो हमने आपको दिखा दिया। और ये आपको जाएगा PMCH। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करिएगा, एक सब्सक्राइब करिएगा। अभी तो ये काफ़ी खाली खाली आपको दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप शाम को आते हैं तो आपको यहाँ पर गाड़ी चलने तक का जगह नहीं होता है। जी हाँ, इस पर आपको जो है कई सारे ठेले लगे हुए दिखाई पड़ेंगे जहाँ पे आप टहल सकते हैं। लेकिन इस मरीन ड्राइव में एक चीज़ प्रॉब्लम ये है कि कहीं पर जो है कट नहीं बनाया गया है कि आप जो है इस पर जा सकते हैं, तो कहीं पर भी आपको कट देखने को नहीं मिलेगा, इसको फान करके आपको जाना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं इसका डिसएडवांटेज है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे और किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने भाई बहनों का ख्याल रखें और अपने ट्रेवल विद लिप के साथ ऐसे ही छोटे बड़े ब्लॉग में आते रहें। जय हिंद।